सिविल डिफेंस टीम पुष्कर ने एक सप्ताह में 8 सांप, 2 गोयरे व एक बंदर का किया रेस्क्यू। इस टीम के मुख्य सदस्य किशन गोपाल जाट, अशोक अजमेरा, अमरचंद सांखला, मुकेश अजमेरा, सुनील उपाध्याय, अरविंद महावर, श्याम सुंदर सेन, चेतन शर्मा, हिम्मत सिंह, सूरजमल दग्दी, भवानी शंकर। इन सभी सदस्यों ने मिलकर अभी तक एक सप्ताह के अंदर 8 सांप और 2 गोयरे व एक बंदर का किया रेस्क्यू। जैसे सिविल डिफेंस टीम पूरे भारत के सभी राज्यों में कार्यरत है, लेकिन नागरिक सुरक्षा टीम पुष्कर के स्वयंसेवक आज से 3 वर्ष पहले पुष्कर में जुड़े। हाँ जी, क्या मामला था? होटल ग्रीन हेवन रिजॉर्ट से हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट में एक ब्लैक कोबरा आया था 4.5 से 5 फीट का। तो हमने सिविल डिफेंस टीम को कॉल करा और उन्होंने 10 मिनट में नागने को नाग डसेगी और काफ़ी आक्रामक था ये कोबरा। इसके लिए मैं सिविल डिफेंस टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपका नाम? शुभम चौहान। अभी शाम को 6 बजे हमारे फोन पे सूचना प्राप्त हुई थी भाई साहब की तरफ से कि हमारे होटल के अंदर करीब 4-5 फीट का कोबरा है। हम और हमारी टीम के साथ हम यहाँ पहुँचे तकरीबन आधे घंटे की कड़ी मेहनत से, क्योंकि कोबरा रेस्टोरेंट के जो छुपाव था पीछे तो बड़ी आक्रामक और बड़े गुस्सेल था। करीब 10-15-20 मिनट की कड़ी मेहनत से पकड़ के हम अभी लेके जा रहे हैं। नागरिक सुरक्षा टीम पुष्कर ने पिछले एक सप्ताह के दौरान 8 सांप अलग अलग प्रजातियों के, जिसमें जहरीले भी थे और बिना जहरीले भी हैं, 2 गोयरे जिनको इंडियन मॉनिटर लिजार्ड के नाम से जानते हैं और एक बंदर का रेस्क्यू किया है। सिविल डिफेंस टीम के वॉलेंटियर पिछले 3 सालों में अलग अलग ड्यूटियों के दौरान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों के खतरनाक सांप और अलग प्रकार के या सभी प्रकार के जानवरों पर रेस्क्यू करके ये टीम पुष्कर में अपनी पहचान बना रही है। और इन्हीं कार्य की वजह से, सिविल डिफेंस टीम के वॉलेंटियर की मेहनत की वजह से आज ये एक अपना अमिट छाप छोड़ रही है पुष्कर में। सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, कृत्रिम किसी प्रकार के रेस्क्यू हो या कोई खतरनाक सांप हो या सरोवर के अंदर पानी में बहकर आए हुए जानवर हो, या उसमें सभी में ये अपनी पूरी लगन के साथ सभी टीम के सदस्य लगे हुए हैं। इन टीम के सदस्यों की मेहनत से पिछले 3 सालों के दौरान हजारों की तादाद में हमने सांप पकड़े हैं, क्योंकि पुष्कर की परिस्थितियों के कारण यहाँ अधिकतर बहुत सारी प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं और नहरों के अंदर पानी की साथ में बह के जो सांप वगैरह या जानवर वगैरह आ जाते हैं वो घरों में चले जाते हैं। उनको सुरक्षित रूप से पकड़कर उनके जंगलों में, उनके घरों में छोड़ने का कार्य भी सिविल डिफेंस पिछले 3 सालों के दौरान करती आई है। किशन गोपाल जाट, सिविल डिफेंस टीम पुष्कर। पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में 18 प्लस वालों के टीकाकरण हुआ आज। साथ ही पुष्कर के उपखंड कार्यालय में भी एक कैंप लगाकर 18 प्लस वाले युवाओं के टीकाकरण किया गया। इसके साथ 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को डोर टू डोर सर्वे एवं टीकाकरण कार्य जारी रहेगा। जो लोग सरकार के अथक प्रयासों एवं प्रशासन की लगातार समझाइश के बावजूद भी टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पुष्कर के उपखंड कार्यालय और पुष्कर के चिकित्सालय में वैक्सीनेशन करवाते युवा।